भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम जहां एक तरफ पूरे तरीके से बैकफुट पर थी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया यहां पर स्ट्रगल भी कर रही थी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत को कुछ और ही मंजूर था। पुजारा और पंत की जोड़ी ने एक समय 4 विकेट पर 73 रन के भारत के स्कोर को सीधा 200 के पास पहुंचा दिया था। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई और इसी साझेदारी के दम पर भारतीय टीम ने मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 257 रन बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर लगा दिए। दोनों ने जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, पुजारा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और जब जब पंत छक्का लगा रहे थे तब तब पुजारा उन्हें संभाल रहे थे। दोनों के बीच ये जो साझेदारी थी ये काफी तेज साझेदारी थी। पंत ने जहां पर 91 रन बनाए महज 88 गेंदों में, वहीं 134 गेंदों में पुजारा ने 74 रन बनाए। पुजारा की आज विकेट एक तरीके से इंग्लैंड को गिफ्ट में मिली है, क्योंकि जिस तरीके से पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे वो गेंद चौके वाली थी और उन्होंने चौके के लिए लपेटा भी था। लेकिन उसके बावजूद चेतेश्वर पुजारा की अगर बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा यहां पर शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े ओली पोप के कंधे पर लगी और सीधा रॉरी बर्न्स के हाथों ये कैच चला गया। वरना आज अगर पुजारा होते तो भारत शायद 4 विकेट पर ही अपनी पारी खत्म करता, वो पंत को समझा समझा के बल्लेबाजी करवाते। लेकिन ऋषभ पंत ने भी 9 चौकों और 5 छक्कों से सजी अपनी 91 रनों की पारी से इंग्लैंड को ये तो बता दिया कि भारतीय टीम दबने के मूड में नहीं है। हालांकि अब भले ही भारत की जो बाकी बल्लेबाज हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, अजिंक्य रहाणे हो, इनका फ्लॉप शो लगातार जारी है। कब आप स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के तौर पर अपने आप को साबित करेंगे, समझ से परे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो आप पर लगी हुई है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिन पर अब टीम इंडिया को सोचना होगा, वरना भारतीय टीम अब ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।